हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर टायर के ब्रेक शू में आवाज़ आए तो कैसे सही करें, चू चू आवाज़ आए तो कैसे सही करें। सबसे पहले 18 नंबर का स्पैनर खोल लीजिए। गाड़ी है स्प्लेंडर, फ्रंट टायर है। इसे खोलने के बाद इस पर चोट मार लीजिए हल्का सा। चोट मारने के बाद एक्सेल बाहर आ जाएगा। एक्सेल बाहर आने के बाद टायर निकाल लीजिए। टायर निकालने के बाद आपको ब्रेक थोड़ी ढीली करनी होगी। इसके लिए कोई सा भी प्लास आप यूज़ कर सकते हैं और 14 नंबर स्पैनर लगेगा, चाबी का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तोता प्लास है और 14 नंबर स्पैनर से आप या चाबी से आप इसे नट को ढीला कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ढीला हो जाएगा। अगर आसानी से ना हो तो इस पर ऑयलिंग करके थोड़ी देर बाद खोलिए। इसे खोलने के बाद ये ड्रम प्लेट आपकी बाहर आ जाएगी। ड्रम प्लेट बाहर आती ही आपके ब्रेक शू नज़र आ जाएंगे। ब्रेक शू पे सबसे पहले सैंड पेपर होता है, इसे रेगमाल भी कहा जाता है। इसको आप इस पे मार लीजिए दोनों तरफ। इसको जब तक घिसिए जब तक ब्राउन रंग का हिस्सा बाहर ना आ जाए। इसको दोनों तरफ घिसिए और अंदर भी घिसिए। एलोय में भी मार लीजिएगा रेगमाल। दोनों तरफ मार लीजिए। और आपको अगर ब्रेक शू चेंज करने हैं तो इसी को निकाल के और नए में स्प्रिंग फिट करके ऐसे ही आराम से फिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर भी रेगमाल मार लीजिएगा। अंदर रेगमाल मारने के बाद एक साफ कपड़ा ले लीजिएगा। साफ कपड़े से इसे पोंछ लीजिए और अंदर भी मार लीजिए और इसे फिट करिए। अगर प्यार से ना आ जाए तो ब्रेक और ढीला कर लीजिएगा। एक्सेल पे हल्का सा ऑयल या ग्रीस वगैरह कुछ लगा लीजिएगा जो कि अगली बार प्यार से निकले। बड़ी आराम से टायर अंदर फिट हो जाएगा। और इसे फिट करने के बाद एक्सेल डाल लीजिए। एक्सेल डालने के बाद इसका नट लगा दीजिए और ब्रेक टाइट कर दीजिएगा। अगर आप ब्रेक मार के टाइट करें टायर तो वो और अच्छी बात है। और ब्रेक भी हल्का टाइट कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। टायर फ्री होना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।